नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज आपको ईस्ट फेसिंग लोन कंसल्टेंसी ऑफिस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। आपका अपना ऑफिस ईस्ट फेसिंग है। सबसे पहले आपके अपने यहाँ पर फ्रंट का एरिया लेफ्ट टू राइट, यानी कि साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक का एरिया नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा होना चाहिए। उबड़ खाबड़ गड्ढे वाला नहीं होना चाहिए। नाली है तो नाली को ढकवाएं, टूटी नहीं होनी चाहिए, साफ करा के ढकवाएं। सबसे पहले आपके अपने यहाँ पर शटर पर, जो आपका अपना शटर पड़ता है, शटर लगा है तो शटर के ऊपर जो कलर आएगा वो आपका अपना ग्रीन कलर, ब्राउन कलर या येलो कलर आएगा। इसके साथ में आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर इन्वर्टर कहाँ रखने हैं, वो साउथ ईस्ट के हिस्से में साउथ वॉल पर। मेन गेट आपने कहाँ बनाना है, ईस्ट के सेंटर से लेके नॉर्थ ईस्ट तक के बीच में। फ्रंट में आपको क्या चीज़ बनानी है, रिसेप्शन। रिसेप्शन का एरिया जितना आपको चाहिए आप उसमें रिसेप्शन बनाएं। रिसेप्शनिस्ट जो बैठेगी अपने एरिया के साउथ वेस्ट में बैठेगी। यहां आके व्यक्ति खड़ा हो जाएगा और उसको अपना जो वेटिंग एरिया देना है, वो आपने जो एरिया देना है वो आपके अपने सोफे लग जाएंगे। ये आपकी अपनी टेबल आ जाएगी, यहां पर आपका वेटिंग के लिए हो जाएगा। और ये नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, यहाँ आपने एक फाउंटेन जरूर लगाना है। फाउंटेन लगाते हुए इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आप पानी इसका बदलते रहें। और आजकल मेडिसिन्स आ रही हैं, टैबलेट्स आ रही हैं, मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाती हैं, वो पानी के अंदर एक दो टैबलेट जरूर डालें जिससे कि मच्छर ना बैठे। इसी के साथ में आपने और क्या करना है, यहाँ से आप अंदर जाते हैं। इसके साथ आपको स्टाफ रूम, जो आपने स्टाफ बैठाना है, आपका अपना स्टाफ। अब आपको स्टाफ दो व्यक्ति बैठाने हैं या एक बैठाना है, जो आपका यहाँ स्टाफ रहेगा वो स्टाफ आपका अपना टेबल, आने वाला व्यक्ति, एक स्टाफ यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। सेंटर में टेबल लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। पीछे कंप्लीट फाइल्स की कैबिनेट बन जाएगी। इसी के साथ आपने और क्या चीज़, आपको एक कॉन्फ्रेंस रूम चाहिए। एक आपको ओनर का कमरा, ये मैंने आपकी टॉयलेट का एरिया बना दिया, ये मैंने आपकी पेंट्री बना दी, ये आपकी टॉयलेट। टॉयलेट में दो टॉयलेट बनाई जा सकती है। दो टॉयलेट में एक ओनर की टॉयलेट हो जाती है, एक स्टाफ की टॉयलेट हो जाती है। स्टाफ की टॉयलेट में इधर से जाने का रास्ता हो जाएगा और पेंट्री के अंदर यहाँ सामने फ्रिज आ जाएगा, पानी आ जाएगा, फ्रिज या चूल्हा जाएगा आपका अपना बर्नर। ये आपका अपना ओनर का अपना टॉयलेट में जाने का दरवाज़ा बन जाएगा। इसके साथ में जो टॉयलेट के अंदर जो सीट लगानी है, पोर्ट जो लगानी है WC, वो ये लगेगी। और यहाँ पर भी जो पोर्ट लगेगी वो यही लगेगी। इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है, पेंट्री भी टॉयलेट भी दोनों ही नॉर्मल फ्लोर लेवल से ऊंची नहीं होनी चाहिए, सेम लेवल।
बराबर लेवल, आधा इंच नीचे भी नहीं करनी है और ऊंची भी नहीं करनी है। ओनर की सीटिंग ये मैंने एक टेबल बना दी, ओनर इसकी ओर फेस करके बैठेगा, जो भी कस्टमर आएगा, मिलने वाला आएगा या पेमेंट या लोन की कंसल्टेंसी लेने आएगा, आने वाला व्यक्ति यहाँ बैठ जाएगा। ओनर को एक तिजोरी भी लगानी है अपने यहाँ, यदि वो अपने पास से लोन देता है वो तिजोरी साउथ वॉल पर लगेगी। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप अपने यहाँ पे तिजोरी लगा रहे हैं तो इस तिजोरी के सामने ये टॉयलेट का दरवाज़ा नहीं आना चाहिए, ये टॉयलेट का जो दरवाज़ा आना चाहिए आपका अपना, टेबल के सामने तो आ सकता है लेकिन तिजोरी के सामने नहीं आना चाहिए। इस चीज़ की आपने सावधानी बरतनी है। और ये जो बीच वाला पोर्शन रह गया, ये आपका अपना कॉन्फ्रेंस रूम भी आप बना सकते हैं आपको चाहिए तो, यदि आपको कॉन्फ्रेंस रूम नहीं चाहिए तो आप इसको कैशियर का रूम भी बना सकते हैं। वो आपने कैसे बनाना है वो अब मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी तिजोरी जो है साउथ वॉल पे लगानी है और यहाँ भी तिजोरी साउथ वॉल पे लगानी है। ओनर के पास तिजोरी लगती है, लॉकर लगता है तो वो साउथ वॉल पे लगेगा, नॉर्थ की ओर ओपन होगा। कैशियर के पास भी तिजोरी लगती है तो वो भी साउथ वॉल पे लगेगी, जो कि नॉर्थ की ओर ओपन होने वाली है। और पेमेंट लेने के लिए जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ये दोनों आपके अपने स्टाफ हो गए, चाहे आपका अपना अकाउंटेंट है चाहे आपका कंसल्टेंसी देने वाला स्टाफ है। इसी के साथ अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो आपने अपने यहाँ पर मंदिर लगाना है वो ईस्ट वॉल पे लगाना है, साउथ ईस्ट में ही लगाने को आप मंदिर, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ ईस्ट वॉल पे यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, क्योंकि यहाँ स्टाफ आने वाला व्यक्ति बैठेगा, वेटिंग एरिया है, तो मैं आपको मंदिर यहीं लगाने के लिए कहूँगा। इसी के साथ में जो आपकी अपनी रिसेप्शन है, रिसेप्शन के पीछे भी आप कंप्लीट कैबिनेट बनाना चाहें तो यहाँ भी आप कैबिनेट बना सकते हैं, कोई डिस्प्ले करना चाहे तो डिस्प्ले भी अपनी लोबो वगैरह की आप कर सकते हैं। इसके साथ में एक चीज़ और, एक फाउंटेन मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट में यहाँ रखने के लिए बोला, एक फाउंटेन आप यहाँ भी रख सकते हैं। फाउंटेन नहीं रखना आपने तो आपको लगता है आपका अपना स्टाफ, दो व्यक्तियों से काम नहीं चलता, दो स्टाफ नहीं, स्टाफ आपने और बैठाने हैं, तो आप अपना स्टाफ यहाँ पर, आपके यहाँ जैसी जगह बने, दो व्यक्तियों के स्टाफ के बैठने की जगह बनती है दो की बना ले, तीन की बनती हो तीन की बना ले। लेकिन आपने नॉर्थ वॉल पर कंप्लीट कहीं भी कोई कैबिनेट नहीं बनानी है, ओनली टेबल लगेगी, वर्क स्टेशन लगेगा और आपका अपना स्टाफ बैठ जाएगा आपका अपना काम करने के लिए। इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहूँगा, जो बात है वो ये, जो आपके यहाँ फर्नीचर बनेगा, पार्टीशन तो आपके अपने लकड़ी के आ रहे हैं या ग्लास के आ रहे हैं, जो टेबल चेयर रिसेप्शन पे लगेंगी वो हमारी अपनी ब्राउन कलर की लगेगी, जो हमारी अपनी यहाँ स्टाफ बैठेगा ये भी ब्राउन, कैशियर बैठता है तो भी ब्राउन, और कॉन्फ्रेंस रूम बनाते हैं तो भी हमारा ब्राउन कलर का बनेगा, ओनर भी हमारा अपना फर्नीचर जो बनता है वो भी ब्राउन कलर का बनेगा। लेकिन नॉर्थ वॉल पे जितना भी फर्नीचर लगता है, चाहे हमारा अपना वेटिंग एरिया है चाहे हमारा अपना स्टाफ बैठा हुआ है, इस एरिया में जो फर्नीचर लगेगा वो सारा का सारा लाइट स्काई ब्लू, ग्रे कलर या वाइट कलर, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ चेयर्स आपने किस कलर की लेके आनी है, जो आपकी अपनी रिसेप्शन पे, स्टाफ पे, कैशियर पे और ओनर की जो चेयर्स आनी है वो सभी रेड कलर की या मैरून कलर की आती है,
तो ये बहुत अच्छी बात है। जो सेटअप मैंने आपको बताया है, यदि आप इस तरीके से करते हैं, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। आपकी अपनी पेमेंट, आपकी अपनी कंसल्टेंसी में कहीं भी कोई कमी नहीं आने वाली। जो फाइल आपके पास आएगी, आप वो फाइल आप प्रॉपर और पूरी करके देंगे। आपको गलत व्यक्ति कभी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है। इसके साथ में जिन का अपना लोन कंसल्टेंसी का काम है, उनके यहाँ पर साउथ जोन में ब्लू कलर की नीले रंग की चेयर्स लगी है, तो मेरा अपना ये मानना है उनके यहाँ पर हमेशा ही झगड़े बने रहते हैं। यदि आपके यहाँ ब्लू कलर की चेयर्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा, उन चेयर्स को या तो बदल दीजिए या उनका अपना कलर चेंज करा लीजिए। रेड कलर करने से आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा अपना मानना है, मेरा अनुभव ये कहता है। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।